जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखी जा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ वेगेंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश कुमार। ये खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें राजधानी रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि भूपेश बघेल की मां की तबीयत ज्यादा खराब है और उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मां की तबीयत खराब होने के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। आज उन्हें गरियाबंद जिले के मैनपुर का दौरा करना था। यहां मुख्यमंत्री को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होना था। इसके अलावा वो दिल्ली भी नहीं जा पाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में आज मंथन होना था और इसके लिए राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को बुलाया था। मानसून सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार होने की भी चर्चा है। बताया जाता है कि सरगुजा संभाग के अमरजीत भगत सरकार के 13वें मंत्री हो सकते हैं, जबकि बस्तर के विधायक मनोज मंडावी या मोहन मरकाम में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। मेजर प्रॉब्लम उनका किडनी का है और आज कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ। सर अगले 24 घंटे क्या स्थिति क्रिटिकल है बताया जा रहा है? हमारी टीम उनको पूरा ऑब्जर्व कर रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पर हम लोग आपको बताते रहेंगे। वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर है। सर सुबह आई थी अचानक, जब हमारे यहाँ सुबह अचानक उनकी सांस खुली और हमारे पास आए तो बीपी पल्स बिल्कुल नहीं था, कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट था। फिर पूरी टीम मिला के उनको CPR करवाया, उनको रिवाइव करवाया और फिर वेंटिलेटर में डाले हैं और इनका डायलिसिस चल रहा है। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज गरियाबंद के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज द्वारा मैनपुर में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में भी वो शामिल हुए। मौके पर उन्होंने रानी दुर्गावती के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार रानी दुर्गावती की तरह उदारवादी तरीके से प्रदेश में विकास का काम कर रही है। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज यहां पहुंचना था, लेकिन अचानक उनकी मां की तबीयत बिगड़ने के चलते सीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके बाद यहां अब प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां अभी सर्व आदिवासी समाज के बीच मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। गरियाबंद जिला बेहतर जिला बने, अच्छा विकास हो, उसके लिए प्रभारी मंत्री के रूप में जो मुझसे हो सकेगा आने के बाद मिलकर चर्चा करने के बाद उस पर आगे कदम आगे बढ़ाएंगे। राजपुर में भी गर्मी की छुट्टी के बाद आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत कर दी गई है और इसी के साथ ही बच्चों का स्कूलों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इधर सरकार के शिक्षण सत्र शुरू होने के साथ ही किताबों के वितरण के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला दानी गर्ल्स स्कूल का बताया जाता है, जहां बिना किताबों के ही पढ़ाई की शुरुआत कर दी गई। की शुरुआत हुई है जी। कितने बच्चे यहाँ पर हैं और कितने की उपस्थिति है? यहाँ बच्चे 377 दर्ज है, जिसमें 32 बच्चे ही यहाँ अभी आ पाए हैं। उनके पालकों को हमने टेलीफोन से बता दिया था, उनका मोबाइल, सभी बच्चों का मोबाइल नंबर हमारे विद्यालय में है। क्लास टीचर सभी पालकों से बात किए, उनको बताया दी 24 तारीख से स्कूल खुल रहा है, आप बच्चों को अनिवार्यता भेजिए। वो बोले कुछ बच्चे किसी कारण से बाहर गए हैं, कोई घूमने गए हैं, कोई रिश्तेदारी में गए हैं, आते ही हम भेज देंगे बोले। यहाँ उपस्थिति 100% रहती है। यहाँ गणवेश भी आ चुका है, यहाँ किताबें भी आ चुकी है, अभी बच्चों को अभी तुरंत हम यहाँ वितरण कर देंगे। क्या वजह मानते हैं 200 से ज्यादा बच्चे हैं? कोई वजह नहीं, प्रथम दिन है, प्रथम दिन में बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको भी आने में, यहाँ हॉस्टल सुविधा है तो हॉस्टल में अपनी तैयारी से आते, बाहर से बच्चे, यहाँ लोकल बच्चे ही नहीं रहते, यहाँ बाहर प्रदेश के बहुत जगह से बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं। इस स्कूल को नाम है कि पढ़ाई में गुणवत्ता है और यहाँ के बच्चे अच्छे ऊंचे पद में जाते हैं, इसीलिए वो दानी स्कूल के नाम से आते हैं, हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, अपनी तैयारी से आते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको आने में लेट होता है। हाँ
पिछली सरकार ने प्रवेशोत्सवशाला मनाया था, लेकिन इस बार नॉर्मल तरीके से स्कूल की शुरुआत हुई है। भी एक तरीके से लक्षण हो सकता है, एक तरह से वजह हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कम आए। कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। आप कौन से क्लास में हो? सिक्स। स्कूल आके कैसा लग रहा है? शुरुआत अच्छा लग रहा है। किताब और ड्रेस मिल गई आप लोग? मिलेगा, अभी मिला नहीं है। आप कौन से क्लास में? सिक्स। कैसा लग रहा है स्कूल आके? अच्छा। किताबें मिल गई? अभी मिलेंगी। आप कौन से क्लास में? मैं एक। सिक्स में ही पढ़ी है? सेवन। यस। कंटिन्यू ही पढ़ रही है? हाँ। कैसा लग रहा है स्कूल? आज शुरुआत हुई है, पहले 16 अप्रैल को होती थी लेकिन छुट्टी बढ़ा दी थी सरकार। अच्छा लग रहा है आज आके। आप कौन से क्लास? एट्थ की हूँ मैं। यहीं से लगातार पढ़ रहे हैं? हाँ। ये बच्चे हैं जो आज स्कूल आए हैं, शाला प्रवेशोत्सव की आज शुरुआत हुई है, प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल यहाँ पर खुल गए हैं। हालांकि संख्या यहाँ पर 300-200 से ज़्यादा है, लेकिन 32 बच्चे भी आए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन और स्कूल के जो हेडमास्टर, उनका दावा है कि आज पहला दिन है और तमाम जो बच्चे हैं गर्मी की छुट्टियों में जाए रहते हैं, तो वो यहाँ पर 100% हाजिरी बच्चों की होती है। कैमरामैन राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बस्तर में भी अब चमकी बुखार का असर देखने को मिल रहा है। बस्तर में दो बच्चों को चमकी बुखार होने की जानकारी मिली। बकावंड और दरभा के दोनों बच्चे बताए जाते हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया और अब जांच दल द्वारा गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। बस्तर में भी आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला बस्तर हाट के पास का बताया जाता है, जहां 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके चलते बच्ची का कान उसके शरीर से अलग हो गया। घटना के बाद मासूम के परिजनों ने उसे डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मासूम को प्राथमिक इलाज देकर रायपुर रेफर कर दिया गया। दरअसल मामला बस्तर हाट के पास का बताया जाता है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची आंगनबाड़ी से पढ़ाई कर अपने घर वापस लौट रही थी, उसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने बच्ची का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का लगातार शहर में आतंक बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके निगम प्रशासन कोई कड़ी कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा। दोपहर में ऐसे सूचना मिली है कि ग्राम बस्तर हाट में जो है एक 5 वर्षीय बालिका है, परी भद्रे करके, वो जब आंगनबाड़ी से वापस अपने घर तरफ आ रही थी, तो इसी बीच में एक आवारा कुत्ते ने जो है उन्हें उन पर हमला किया और उनके कान को नोच लिया है और 5 वर्षीय बच्ची के कान जो है उनके शरीर से बिल्कुल अलग हो गया है। मुंगेली के जिला अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है और एम्बुलेंस का लाभ नहीं लेने के नाम पर लोगों से मनमानी राशि भी वसूली जा रही है। बिलासपुर के पूर्व सांसद लखन लाल साहू ने सांसद निधि से जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई थी। यह एम्बुलेंस अब अस्पताल प्रबंधन की कमाई का जरिया बन चुकी है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर क्रियान्वयन के लिए रायपुर और बिलासपुर को पछाड़कर मुंगेली प्रथम स्थान हासिल करने वाला जिला है, जिसके लिए ने जिला अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अस्पताल प्रबंधन ने सक्षम मरीजों के लिए ₹8 प्रति किलोमीटर की राशि तय की, लेकिन बीपीएल कार्डधारी व अक्षम लोगों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा देने की व्यवस्था की थी। हकीकत तो अब यह है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर मनमाने तरीके से और मरीजों से लड़ झगड़ कर पैसों की वसूली कर रहे हैं और उन पैसों की कोई रसीद भी नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि पैसों के लेन देन का यह कोई पहला मामला सामने आया हो। आए दिन मरीजों के परिजनों से पैसे लिए जाने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर मामले से पल्ला झाड़ते और जांच की बात करते नजर आते हैं। सुधर भी नहीं, तो 3 बजे रात फिर थोड़ा गोड़ हाथ पी रही से, तब हम नहीं लगे इसके चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बोली इसके बिलासपुर ले जाओ करके। कुछ इलाज इलाज किए हैं? थोड़ा बहुत इलाज किया है, पैसा हमसे 600 बोली से 500 दे। यहाँ आने के बाद फिर एडमिट करवाए मुंगेली में जिला अस्पताल में। यहाँ 3-4 बाटल वगैरह दवाइयाँ सुइयाँ सब
लगे उनको, लगने के बाद अब डॉक्टर साहब बोले कि इसको ले जा वहाँ बिलासपुर, डिफर कर दिए। तो हम बोले एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस वाला आया और बोले कि एक और पेशेंट थे हमारे साथ में, दोनों पेशेंट को ले जाएगा करके। दोनों पेशेंट बैठे तो बोले कि 600-600 रुपये दो करके। तो हम बोले हम तो एक 15-20 दिन पहले और माँ को लेकर के आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ज़्यादा सीरियस होने पे और छोटे बच्चे होने पे उसको रिफर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्रिटिकल केयर में आ जाता है तो वो करना पड़ता है। एम्बुलेंस सांसद मद और ये हमारा सब एम्बुलेंस है, सभी जीवनदीप के अंदर चल रही हैं जितने एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस में जीवनदीप समिति से निर्णय हुआ है कि 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसके मेंटेनेंस के लिए और ईयल वगैरह अगर लगता है तो उसके लिए। कोरबा में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक के बाद एक चोर चोरी की तमाम घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में चोरों ने टीपी नगर स्थित हिंदुजा लैंड फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में चोरों ने निशाना बनाया। चोर तिजोरी को तोड़कर 7 लाख रुपए लेकर भाग निकले। चोरों का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरबा के करतला वन परिक्षेत्र के बैगामार में हाथियों ने एक ग्रामीण को रौंद दिया। हाथी के हमले के बाद विषक्त लाश देखकर आसपास के ग्रामीण घटना से डर गए। इस घटना की जानकारी जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और शव का पंचनामा कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक करतला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बैगामार निवासी मलिक राम राठिया बताया जाता है। कोरबा की बताती है गेराव के जंगल में 4 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसमें से एक दंतेल हाथी भी शामिल है। हाथियों को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और कुछ ग्रामीण घर के चारों ओर GI तार लगा रहे हैं। अब हालांकि देखने वाली बात तो यह है कि इस उपाय का हाथियों पर कितना असर होता है और कितने ये उपाय कारगर साबित होते हैं। बगल में बस्ती नहीं आ है, अभी जंगल में है। ग्रामीण तो बता रहे हैं तीन बजे गुजरे हैं रात के। हाँ तो गुजरे हैं ना, हमें देखे तो नहीं है, बस्ती अंदर थे तो थोड़े देखे जाए। अभी सुबह सुबह डोरी बीनने गए थे तो 2-4 आदमी को मिले थे और देख के भागे हैं उन लोग। कितना हाथी कहाँ पर था? और जाम मुड़ा जंगल में है अभी, घर के नजदीक से चले। कहाँ कहाँ तक? इधर आते उधर आते इधर आते उधर जाते। बिलासपुर जिले के कोचा में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार किया गया है। नवजात को जिस गोद में ममता की छाव मिलनी चाहिए थी उसे एक निर्दयी मां ने सड़क के किनारे फेंक दिया। नवजात की कराह सुन थमे राहगीरों ने इसकी जानकारी थाना कोचा में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको भर्ती कराया। ममता को कलंकित करने वाली इस घटना से हर किसी का कलेजा पिघल गया और लोग उस मां को कोसते नजर आए जो इस कृत्य को अंजाम देकर लापता हो गई। नवजात का जन्म 3 से 7 दिन के बीच में होना बताया गया है। हिडन चाइल्ड है जिसको ही रास्ते पे यही पड़ा मिला था, उनके द्वारा बताया गया कि रास्ते में पड़ा मिला था जिसको लेके आए हैं। जिस शाम से रवाना होकर मौका गए वहाँ एक नवजात शिशु मिला जीवित थी, पीली कलर में मतलब शर्ट बना हुआ था। उसे तत्काल हॉस्पिटल दाखिल कराया गया और उसका मुलाजा कराया गया। रायपुर के सेंट्रल जेल में पदस्थ आरक्षक पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकायत पहले जेल अधीक्षक से की थी लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आरक्षक भी लगातार शादी करने से इनकार कर रहा है। महिला ने दोबारा उसके खिलाफ शिकायत पनवी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पनवी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कसडोल में प्री मानसून के साथ बरखा के बरसने से किसानों के चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। कसडोल के किसान खेत की ओर रुख करके खेत व मेड़ में पड़े खरपतवार की साफ सफाई कर ट्रैक्टर से बोनी में जुट गए हैं। साथ ही खेती कार्य में तेजी अब देखी जा रही है। किसान मानसूनी बारिश से पहले बोनी का काम पहले कर लेना चाहते हैं। साथ ही कृषि लोन के लिए बैंकों में भी भारी भीड़ अब देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 अकलतरा में नवनिर्मित चौक में बढ़ते हादसे राहगीरों एवं लोगों की मुसीबत बन गए हैं, जिसमें अब तक 15 से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोग अब इस चौक को यमराज चौक के नाम से भी जानने लगे हैं। बड़ी बात तो यह है कि आधिकारिक रूप से यह मार्ग अभी शुरू ही नहीं हुआ। ऊपर से जो जांजगीर से बिलासपुर जो फोर लाइन बना हुआ है, इससे गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चलती है कि आप कह नहीं सकते। आए दिन मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल, हर एक व्यक्ति का ऐसा हम लोग का खुद डरना हो गया है और इतनी एक्सीडेंट हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है तो कम से कम रेड लाइट स्थापित करके पुलिस बल की मुहैया कराकर रेड लाइट स्थापित कर तत्काल ओवर ब्रिज की स्वीकृति और ओवर ब्रिज बनेगा उसमें समय लगता है, तो रेड लाइट को सरकार चालू कर सकती है। मुंगेली की नगर पंचायत पथरिया में पिछले 6 महीने से विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बता दें कि यहां महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित फाइलें पिछले 4 महीने से गायब हैं। फाइलें चोरी की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ अब दिख रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पार्षदों ने जिन फाइलों से संबंधित निर्माण कार्यों की जानकारी नगर पंचायत के अधिकारियों से मांगी थी, वही फाइलें अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, जिसके बाद से ही नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। कोरबा में 20 से 25 दिन पहले सीएसईबी आवासीय परिसर के एक घर में नग्न अवस्था में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने वाले मानसिक रोगी को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नग्न अवस्था में आरोपी मानसिक रोगी द्वारा अपनी ही बहन के साथ छेड़खानी की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने छेड़खानी की शिकार हुई महिला को बुलाकर आरोपी की पहचान कराई तो पीड़ित महिला ने आरोपी की पहचान कर ली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत प्रबंधक की घोर लापरवाही के चलते अस्पताल में भर्ती मरीज रविवार के दिन भूखे रहे और प्यासे बैठे रहे। मरीजों को सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला। उसी दिन आपको बता दें जब अस्पताल में स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची और मामले को दिखाने की कोशिश की गई तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने रात के 9 बजे आपको बता दें दाई और चौकीदार से खाना बनवाया और मरीजों को अस्पताल में वितरित कराया। रावघाट से जगदलपुर रेल मार्ग में आने वाले कोंडा गांव के दाही कोंगा और घोड़ा गांव के कृषकों को कोंडा गांव अनुविभागीय अधिकारी ठेक चंद अग्रवाल के हाथों रेल परियोजनाओं के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि वितरित की गई। अब कोंडा गांव से जगदलपुर रेल मार्ग बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अंडरवर्ल्ड टेपकांड मामले में एसआईटी से नोटिस जारी होने के बाद पूर्व विधायक मंतुराम पवार आज एसआईटी ऑफिस पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद मंतुराम पवार ने एसआईटी टीम को वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के सामने फैसले का सम्मान करते हैं। एसआईटी की वैधता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा है कि पिछले 6 महीने में ही कई एसआईटी का गठन किया गया है। मंतुराम पवार ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का भी आरोप लगाया। एसआईटी चीफ अभिषेक महेश्वरी ने बताया है कि मंतुराम पवार ने कोर्ट का हवाला देते हुए वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। वॉइस सैंपल के लिए नियम है कि पहले जिसको वॉइस सैंपल के लिए बुलाया गया है उसकी सहमति लेना जरूरी है। यदि वो सैंपल देने से मना कर देता है तो कोर्ट से आदेश लेकर वॉइस सैंपल लिया जाता है। राम पवार जी को आज वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी किया गया था तो वो यहाँ पर उपस्थित है, किंतु उन्होंने अपने वॉइस सैंपल देने के लिए सहमति देने से मना कर दिया।
और कहा कि अभी मैंने एक पिटीशन लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा मैं वॉइस सैंपल नहीं दूंगा, या कहते हुए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की। एफ आई आर दर्ज हुआ था उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर किया था और वहां से एक व्यवस्था माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला था 21/2/2019 को। उसने एसआईटी को ऐसे कोई भी काम न करें, मेरे को या अन्य सदस्य को अनहित करने की पहुंच, उसके प्रतिबंध लगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्या राजपूत इस वक्त हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, मंतुराम पवार ने एसआईटी को वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया, हालांकि जब जाहिर है कि वॉइस सैंपल लेने से पहले कोर्ट या तो फिर मंतुराम पवार की सहमति लेना जरूरी था, और या तो फिर अगर मंतुराम पवार सहमति नहीं देते तो कोर्ट से आदेश लेना जरूरी था, फिर क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई? सत्या जी, जो 2014 में सामने आया था जिस पर ये कोर्ट पे ये मामला चल रही है, लेकिन इसका मामला कांग्रेस की सरकार के आने बाद इस पर एसआईटी की गठन की गई, उसके बाद इसमें जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत वाइस सैंपल के लिए आज मंतुराम को बुलाया गया था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं वाइस सैंपल नहीं दे सकता क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, अगर आपके पास आदेश है तो कॉपी दिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्या तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम अगली खबर में चर्चा करेंगे। तो इसी बीच बिलासपुर से भी रुख कर लेते हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को चिटफंड मामले में राहत नहीं दी है। मामले में हाई कोर्ट ने केस डायरी मंगाई है और 5 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अभिषेक सिंह ने चिटफंड मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने मामले में स्टे को ठुकराकर केस डायरी तलब की थी। शैलेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है आपका, क्या और जानकारी? इस मामले में आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ, जो अभिषेक सिंह पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र हैं, एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से मिला है कि आज इस मामले में जो कंपनी के खिलाफ जो मामला दर्ज था, इस मामले में उन्होंने राहत के लिए कि जो एफआईआर दर्ज है उसको क्वेश्चन करने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस मामले में जो है उनके स्टे की जो डिमांड थी उसको इनकार कर दिया है और इस मामले में जो केस डायरी है उसको तलब की है। पूरा मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी, तो एक बड़ा झटका है कहीं ना कहीं, और 5 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। जो केस जो एफआईआर दर्ज करने की जो बात, उसको पेश करने के लिए जो आवेदन एक पिटीशन अभिषेक सिंह के द्वारा लगाई गई थी उस पर कोर्ट में सुनवाई से इंकार की गई। जैसे प्रसाद मिश्रा ने इस मामले में ये कहा कि चूंकि मामले में अभी विवेचना कोई जारी है, इसमें कोई कार्रवाई किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही, इसलिए इस मामले में अभी स्टे देना ठीक नहीं है और ये अभी किसी केस डायरी तलब कर रहे हैं और इसके बाद जो जानकारी केस डायरी से मिलेगी उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई की। 5 जुलाई के मामले की सुनवाई है, एक बड़ा झटका कम से कम आज अभिषेक सिंह के लिए है, उन्होंने मांग की थी हाईकोर्ट से वो उनको नहीं मिल पाएंगे। तो हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगाई है और बड़ा झटका यहां पर अभिषेक सिंह को मिला है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं घटना से श्वेत में सनसनी का माहौल है। मामला वीआईपी रोड स्थित गौरव गार्डन के पास का बताया जाता है। तो पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चंपाबाई के सिर पर ईंट मारकर हत्या करने के बाद फांसी लगा ली। दोनों भवानीपट्टनम उड़ीसा के मूल निवासी बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो मकान शराब का आदि था और रोज शराब के नशे में अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था। बीती रात काफी शराब पिया हुआ था और नशे में पत्नी से लड़ाई करते हुए पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, तो बने रहिएगा स्वराज।